अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये गाड़ी है एक्वा, गाड़ी है सिल्वर कलर में है, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इस गाड़ी की और बहुत नीट गाड़ी है। अभी मैं आपको इनके ऑनर से भी मिलवाता हूँ और फिर आपको इसका रिव्यू बताते हैं कि ये गाड़ी की एवरेज क्या है, कैसी है गाड़ी, चलने में कैसी है और इनमें इसमें इनको कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लोकल क्या एवरेज दे रही है और आउट ऑफ सिटी क्या दे रही है। ठीक है तो आइए जी। सर नाम है मेरा, मेरे पास एक्वा है 2013 मॉडल और ये एस पैकेज है। अच्छा सबसे मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी कितना चल चुकी है। ये चल चुकी है 79,462 समझे 80 चल चुकी है। और ये मतलब आपने लोकल ही चलाई थी। जी जी लोकल ही। और आप फर्स्ट ओनर हैं। जी जी फर्स्ट ओनर। और ज़रा बताएंगे इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या फीचर्स हैं स्टीयरिंग में। ये इको मोड है और ईवी मोड है। इको मोड में ये होता है कि आप अगर इसको ऑन कर देते हैं उसमें ये गाड़ी की पिक कम हो जाएगी लेकिन गाड़ी आपको एवरेज अच्छी देगी। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी कितनी एवरेज देगी। तकरीबन ये देती है लोकल आपको 24-25। ठीक है। और लॉन्ग पे जाएं तो। लॉन्ग पे 27-28। ठीक है। 30 तक भी जाती है। ओके। और दूसरा ये है ईवी मोड। ईवी मोड में ये है कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी फुल चार्ज है तो आप ये ईवी मोड का बटन दबा दें तो इसमें ये टोटल आपकी गाड़ी बैटरी पे चलेगी। ओके। टोटल बैटरी पे हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें क्या है ये। इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल है, आप इसमें सेट कर देते हैं जैसे मैंने इसमें किया 26 डिग्री, तो ये गाड़ी का जो रूम का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री कर देगा। ओके। जी जी। अच्छा और इसके साथ ये आपके LED पैनल भी दिया हुआ है। जी जी ये जेन्युइन आया कंपनी की तरफ से। ये जेन्युइन है मतलब आपने चेंज नहीं करवाया इसमें कुछ भी। अच्छा और ये स्टीयरिंग में है, स्टीयरिंग में फुली मल्टीमीडिया। नहीं स्टीयरिंग मल्टीमीडिया नहीं। मल्टीमीडिया नहीं है। ये आता नहीं है या इस मॉडल में नहीं आ रहा। नहीं नहीं एस में आता है लेकिन कुछ में आता है मल्टीमीडिया कुछ में नहीं है। ठीक है जी। अच्छा लेकिन लग सकता है इसमें। ओके। और आप ये ऑटो ट्रांसमिशन। जी जी ऑटो। ठीक है। ये आपने रिव्यू इनके देखे और सुने आपने और ये आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगा जो ये प्राइस कोट कर रहे हैं और जिन साहब ने फिर इनसे रब्ता करना हो वो डायरेक्टली इनको कॉल करके डिमांड हम उस पर शो कर देंगे और फिर बता देंगे। फिर आप जिसने जिस तरह भी आपने इनसे बात करनी हो वो फिर आप कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।